तो हम हैं आगरा के क्रिस्टल सरोवर होटल में। इस तरह से है होटल का फ्रंट व्यू गेट और हम चलते हैं रिसेप्शन हॉल। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा है क्रिस्टल का मॉडल ताजमहल रिसेप्शन रूम में रखे हुए हैं। तो हम लोगों का रूम है थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट के पास से कुछ इस तरह का व्यू आपको मिलेगा देखने को। तो हम लोग चलते हैं थर्ड फ्लोर पर। फ्लोर के बाद आपको इस तरह से गैलरी मिल जाएगी। हम पहले आपको पूरा रूम का एक ब्लॉक दिखाएंगे। 330 नंबर रूम है। रूम के जैसे हम अंदर जाते हैं दरवाजे की तरफ हमको बगल में अलमारी मिलती है, इसमें हम कपड़े वगैरह टांग सकते हैं। ये लॉकर है, इसमें आप ज्वेलरी पैसे कीमती सामान आप रख के अपने हिसाब से कोड लगा सकते हैं। ये कौन कोई आया है बाहर दरवाजे के यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे चाबी लगती है और जस्ट बगल में दरवाजे के अंदर आते ही आपको इस तरह वॉशरूम मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह की सीनरी लगी हुई है। नीचे आपको एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर, ऊपर ही चाय और पानी गर्म करने के लिए हम लोगों ने अभी इसमें चाय बनाया था। और रूम इस तरह से रूम का बेड आप लोगों को मिलेगा। इस तरह से लैंप लाइट होटल के रूम की फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है। टीवी वगैरह इस तरह से एलईडी सेट किया गया। ऊपर आपको एसी मिल जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलता है। एक टेबल यहाँ सामान रखने के लिए, के चारपाई यहाँ रखे हुए हैं। ये आपको होटलों में आज के समय में पुराने टेलीफोन मिलते हैं। एक यहाँ पे चेयर मिलेगी, एक वहाँ पे टेलीफोन रखा हुआ, दो चेयर हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात खिड़की जो इसका विंडो इस तरह लगा है, यहाँ से आप देखेंगे तो ताजमहल बिल्कुल साफ और साफ दिख रहा है। मेट्रो का काम हो रहा है। यहाँ पे एसी कंट्रोल, लकड़ी फिनिशिंग है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है रूम की। यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं नीचे। यहाँ पर नीचे रिसेप्शन हॉल में लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर नीचे ही हॉल में लंच डिनर की व्यवस्था होती थी। हम सभी लोग यहाँ पर सुबह का लंच और डिनर करते थे। तो कुछ इस तरह से लोग यहाँ पर डिनर लगाते हैं। ये धन्वंतरी कंपनी के लिए पूरा लंच ब्रेकफास्ट जो भी है उनके लिए तैयार होता है। जो और लोग आते थे उनके लिए दूसरे हाल में व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर सभी धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का ही ग्रुप है एक साथ रुका हुआ। और यहाँ पे इसी हाल के बगल में बच्चों को खेलने के लिए झूला वगैरह आपको मिल जाएगा, बच्चे झूल रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। वह
चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।